हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं नीतू, आज देखिए मैं बनाने जा रही हूँ मक्की का आटा। मक्की का आटा सर्दियों में बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और फ़ायदेमंद भी बहुत है। तो आज मैं दो तरह से आपको मक्की के आटे की रोटी बनाने सिखाऊंगी। तो देखिए, इसके लिए मैंने करीब करीब 250 से 300 ग्राम के करीब मक्के का आटे लिया है। और आटे को क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से गूंधेंगे। तो गूंधने के लिए एक ट्रिक्स है कि इसको हम ये गरम पानी में गूंधेंगे। तो पहले मैं क्या करी थी ना, इधर सॉस पैन में गरम होने के लिए पानी चढ़ा दिया था। तो पानी देखिए इधर गरम हो चुका है। तो अब हम इसको क्या करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसको अच्छे से गूंथेंगे। तो थोड़ा सा मैंने इसमें क्या किया है ना, नमक डाल दिया है आधा छोटी चम्मच के करीब, और 2 चम्मच मैंने रिफाइंड डाल दिया है, ऑयल डाल दिया है, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा। थोड़ा नमकीन हो जाता है तो खाने में अच्छा लगता है। और तेल डालने से थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी अंदर से बनेगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालते हैं, एक साथ पूरे पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और हम इसको अच्छा सा डो बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हाथों से मिलाते हुए एक अच्छा डो बना रहे हैं। तो इसको तब तक सानते रहना है, कम से कम 15 से 20 मिनट इसको तलत्थी की मदद से इसको मसलना पड़ता है, तभी जाके रोटी अच्छा बनता है और ये फटता नहीं है रोटी। नहीं तो क्या होता है कि रोटी ये फटने की चांसेस ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से यदि आप सानेंगे तो बहुत अच्छा रोटी बनेगा। तो देखिए थोड़ा सा पानी और डाल दे रहे हैं, ठीक ना। और ये देखिए तलत्थी की मदद से इस तरह से दबा दबा के हम, देखिए कितना अच्छा मेरा डो के फॉर्म में आटा हो रहा है। तो इसी तरह से हमको सानना है आटे को। तो इस तरह से जब आप मसल मसल के आटा सानेंगे ना, तो ये एकदम सॉफ्ट होते जाएगा आटा और एक जगह सिमटते जाएगा। देखिए कितना अच्छा आटा, देखिए मेरा तैयार हो चुका है सन के। तो इसको हम क्या करते हैं ना, 5 मिनट के लिए हम इसको, 5 से 10 मिनट हम इसको थोड़ा सा रेस्ट होने देंगे। तो रेस्ट होने से क्या होगा ना कि आटा अच्छा से फूलेगा भी और अच्छी रोटी बनेगी। तो देखिए तो 5 से 10 मिनट हो गया है। तो अब हाथों को हम क्लीन कर लिए हैं। हाथों को क्लीन करने के बाद क्या करते हैं ना कि इसको थोड़ा सा हाथ में पानी ले लीजिए या तेल ले लीजिए और इसको हाथों से भी थोड़ा अच्छे से मसलिए। देखिए इस तरह से हम, तो इसको देखिए इस तरह से एकदम एक बड़ा सा बॉल जैसा बना लिया है लोई, आटे का लोइया। और इस तरह से तलत्थी की मदद से इसको दबाते हुए, देखिए इस तरह से हम तलत्थी से ऐसे दबाते जाएंगे। देखिए इस तरह से रोटी का शेप हम दे देते हैं आराम से। ये देखिए धीरे धीरे पेशेंसली जब आप बनाएंगे ना हाथों पे, तो बहुत अच्छा रोटी बनके तैयार हो जाता है। तो ये रोटी को आप सरसों की साग के साथ खाइए, साग के साथ खाइए, प्याज और नमक तेल के साथ भी बहुत ये टेस्टी लगता है खाने में, अचार के साथ। आप चाहो तो खाली चटनी के साथ भी खा सकते हो मक्की का रोटी। तो मैं तो आज साग बनाई हूँ चने का, चने के साग के साथ खाऊंगी, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने चने का साग भी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। तो देखिए इस तरह से गोल हो गया। तो इसको बना के रखना नहीं है रोटी को, इधर मैंने तवा गरम होने के लिए चढ़ा दिया था। तो देखिए तवा गरम हो चुका है। तो इसको क्या करना है ना, डायरेक्ट इसको तवे पे ही डालेंगे, क्योंकि कहीं पे बना के यदि रखेंगे, एक एक रोटी बनाते जाना है और डालते जाना है, नहीं तो ये चिपक जाता है कहीं भी रखने से। तो देखिए जब एक तरह साइड से सीख जाएगा तो हम दूसरे साइड से भी इसको पलट के सेक लेंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड एक साइड से सीख चुका है, तो देखिए एक साइड से मेरा सीख चुका है। 1 से 2 मिनट फ्लेम को मैंने अभी मीडियम ही रख दिया है, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको सेकेंगे तो अच्छे से सीखता है रोटी। इसको अच्छे से सेक लेते हैं इस तरह से, दोनों साइड से हो गया है। तो अब इसको गैस पे अच्छे से सेक लेते हैं। ये देखिए एकदम दोनों साइड से एकदम रेड होने तक सेक लेंगे रोटी को।
ये देखिए दोनों साइड से मैंने रोटी को सेक लिया है। ये देखिए फ्रेंड मेरा रोटी जो है देखिए कितना अच्छा सीख के तैयार हो गया है। इस तरह से तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरा साइड देखिए। दूसरा तरीका ये है कि मैं चकला ली हूँ और चकले में एक पॉलिथीन रोल लगा दी हूँ नीचे में और साथ में देखिए इस तरह से हाथों की मदद से लोई बना के और हम इस पर चक्र रख देते हैं। देखिए फ्रेंड दूसरा तरीका जो है बहुत ही और इसको दूसरे ऊपर से भी एक पॉलिथीन रख दिया और इसको हल्के हाथों से बेलन से मैं घुमा घुमा के बेल लूँगी, रोटी का शेप दे दूँगी। तो ये बहुत आसानी से बन जाता है। मेरे पास तो वही घर का पॉलिथीन जो था, आपके पास यदि वाइट पॉलिथीन हो तो वाइट पॉलिथीन में आराम से दिखता है। इसमें भी दिख ही रहा है कितना अच्छा गोल गोल रोटी बनके मेरा रेडी हो गया है। गोल सा रोटी तो बना लिया इसको हाथों की मदद से इस तरह से इसको देखिए पॉलिथीन से आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह से दूसरा रोटी भी मैं सेक कर आपको दिखा देती हूँ। हम इसको तवा पे सेक लेते हैं इसको भी। तो इसी तरह से हम इस तरह से मैं सारे रोटी बना लेंगे। दूसरा रोटी भी सेक लेती हूँ। देखिए रोटी भी देखिए दूसरा भी ये देखिए कितना आराम से हो गया है, एक साइड से हो गया है। मक्की का आटा है तो थोड़ा सा तवा पे चिपकता है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए कितना अच्छा एकदम रेड कलर का हो गया है। तो इसको भी हम थोड़ा सा गैस पे सेक लेते हैं इस तरह से। गैस पे सेक दिल लेने से क्या होता है ना, ये कच्चापन नहीं रहता है, आराम से अच्छे से आप इसको बटर के साथ घी के साथ किसी भी चीज़ को लगा के आप आराम से खा सकते हो। ऐसे गरम गरम रोटी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको चाहो ना मसल के तोड़ के इसको दूध के साथ खाएँ, बहुत अच्छा लगेगा खाने में, मलाई के साथ या दूध के साथ ये रोटी। तो देखिए मेरे सारे रोटी तैयार हो चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को मक्की की रोटी ज़रूर पसंद आएगी। यदि फ्रेंड ये रोटी आपको लोगों को पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ एक अगले नई रेसिपी के साथ। देखिए इतने आटे में कम से कम 5 से 6 रोटी तैयार हो जाता है। तो देखिए कितने अच्छे मेरे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी बन के तैयार हुए हैं। आई होप ये रोटी बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड, आप लोग जिसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये ठंडी के मौसम में बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड खाने में। तो धन्यवाद आप लोगों का।